कहा कि ये संसार और ये संसार की जितनी भी बातें, संसार की जितनी भी क्रियाएं, संसार के जितने भी कार्य, उसमें अंततः मात्र आपको थकना है, आपको हारना है, आपको उदास होना है, आपको निराश होना है और अंततः हाथ में कुछ भी नहीं आना। बहुत लोगों ने इसका अनुभव कर लिया लेकिन फिर भी आप यही सोचते हो कि मैं बच जाऊंगा। बहुत लोग ये रास्ते पे चल के दुखी हो चुके लेकिन फिर भी आप यही सोचते हो कि नहीं, मुझे सुख मिल जाएगा, मुझे शांति मिल जाएगी, यही संसार से मुझे सुख की उपलब्धि हो जाएगी। और इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि बराबर समझ लेना, ये संसार बड़ा विचित्र है और उसमें भी अधिकतर विचित्र है आपकी इंद्रियां, जो आपको थकाती है, हराती है, परेशान करती है, निराश करती है, उदास करती है, दुखी करती है और अंततः आदमी थक कर, निराश, उदास, हताश होकर के जीवन को परिपूर्ण कर देता है। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि जाग जाना, इंद्रियों का सदुपयोग कर लेना, क्योंकि ये संसार ऐसा है। संसार की परिभाषा करते हुए ज्ञानी भगवंत ने बहुत अच्छा सूत्र दिखा, कहा कि संसार कैसा है कि जहां वचन तो सुख का है अपितु अनुभव दुख का है। संसार की जितनी भी सामग्रियां, संसार की जितनी भी उपलब्धियां, आपको वचन तो सुख का मिलेगा। बचपन में आदमी होता है, सोचता है बड़ा हो जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, समझना। जो बच्चा होता है वो सोचता है कि मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊं तो अच्छा, और जो बड़ा हो गया वो सोचता है मैं जब छोटा था वैसा जीवन मिल जाए तो अच्छा। संसार में कहीं पर भी प्रेजेंट में सुख का अनुभव नहीं हो सकता। संसार में या तो फ्यूचर में सुख दिखता है या तो पास्ट में सुख दिखता है। प्रेजेंट में सुख का अनुभव या संसार में आपको आज तक नहीं हुआ। सुख मिलेगा या ऐसा किया होता तो सुख मिलता, बस ये दो पंक्ति आपके पास। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि बराबर समझ लेना, संसार में वचन सुख का, अनुभव दुख का। जितने भी लोग या संसार में जीवन जी रहे हैं वह सुख का अनुभव नहीं कर पाते। कदम कदम पे दुख का अनुभव होता है, कदम कदम पे दुख सामने आकर के खड़ा रहता है। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि बराबर कान खोल के सुन लेना, संसार में प्रेजेंट डे में आपको सुख नहीं मिल सकता। या तो फ्यूचर में मिलेगा या तो पास्ट में ऐसा किया होता तो मिलता, प्रेजेंट में किसी को सुख की अनुभूति नहीं होती। और यह संसार में आकर के आप जागे नहीं। कहा कि धर्म का क्षेत्र ऐसा है जहां वचन तो सुख का लेकिन अंततः अनुभव भी सुख का। सुकून जिसको कहते हैं, आनंद जिसको कहते हैं, भीतर की मस्ती जिसको कहते हैं, वो कहां से मिलती है? जब तक आप अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश न कर लो, जब तक आप धर्म का क्षेत्र पकड़ न लो, जब तक आप धर्म के मार्ग पर चलो नहीं, तब तक वो भीतर का सुकून शांति नहीं मिल पाती। बाह्य सामग्रियां मिल सकती है, बाह्य आपको सामग्रियां प्राप्त हो सकती है, बाह्य साधन मिल सकते हैं, सुख के उपभोग के साधन आपको मिल सकते हैं, लेकिन भीतर का सुकून आपको धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर जाकर ही मिलेगा। इसीलिए शास्त्रकार भगवान ने कहा कि संसार क्या? कहा के वचन सुख का, अनुभव दुख का। और धर्म क्या? कहा के वचन भी सुख का और अनुभव भी सुख का। और इसीलिए कहा कि धर्म मार्ग श्रेयस्कर है। छोटा बच्चा जब स्कूल में जाकर पढ़ाई करता है तो यह सोचता है कि जल्दी जल्दी पढ़ाई खत्म हो जाए, मैं पैसे कमाने लगूं तो अच्छा। जब पैसे कमाने लगता है तब यह सोचता है कि अब मुझे कोई जीवन साथी मिल जाए, मेरी शादी हो जाए तो अच्छा। जब शादी हो जाए तब यह सोचता है कि अब कोई संतान की प्राप्ति हो जाए तो अच्छा। जब संतान की प्राप्ति हो जाए तो
तो ये सोचता है कि अब संतान जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए और वह भी जीवन में कुछ कर पाए तो अच्छा। जब संतान बड़ा हो जाता है और वही संतान आपको जब दुख देता है तो आप ये सोचते हो कि इससे अच्छा संतान नहीं हुआ होता तो अच्छा। और अंततः जब जीवन की वृद्धावस्था आती है, जब प्रौढ़ अवस्था आती है, तब आदमी यह सोचता है कि चलो इस जीवन में तो कुछ नहीं कर पाया, अब कुछ कर लो तो अगले जीवन में सुख मिल जाए तो अच्छा। ऑलवेज संसार में आपका सुख फ्यूचर में है, प्रेजेंट में नहीं है। एक घटना आप मुझे ऐसी दिखाओ जहां आपको प्रेजेंट में सुख मिलता है। पैसे कमा लेंगे तो सुख मिलेगा, लेकिन अभी जितने पैसे है उतने से तुझे सुख मिल रहा है क्या? धन संग्रहित कर लेंगे, मेरे पास 100 करोड़ हो जाएंगे तो सुख मिलेगा, लेकिन अभी 1 करोड़ है, 1 करोड़ में सुख मिल रहा है क्या? बराबर समझ लेना, संसार के जितने भी सुख है सब फ्यूचर के है, प्रेजेंट के नहीं है। मार्क करना इस बात पर, आप गौर करना कि जब भी आपने संसार के पास सुख की याचना की, संसार ने कहा अभी नहीं कल मिलेगा। जब भी संसार के पास सुख मांगा, संसार ने कहा अभी नहीं कल मिलेगा, और वो कल कभी आती नहीं। बराबर समझना, जब भी आती है आज आती है, जीवन में कल कभी नहीं आती। कल कभी आती है क्या? क्या आता है? आज आती है। आज हम कल को कल बोल सकते हैं, लेकिन कल हम क्या कहेंगे? आज है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि ऐसी कई ट्रिक्स से भरा हुआ यह संसार है, और यह संसार में आकर के भी तू जागा नहीं, यह संसार में आकर के भी तू समझा नहीं, यह संसार में आकर के भी तूने कुछ प्राप्त नहीं किया, यह संसार में आकर के भी तूने कुछ हासिल नहीं किया, यह संसार में आकर के भी तूने इंद्रियों के ऊपर जय नहीं प्राप्त किया, तो यह आना तेरा निरर्थक बन जाए। और इसलिए दिमाग में हमेशा यह सूत्र बिठा के रखना, जहां वचन सुख का है लेकिन अनुभव दुख का है यह संसार है, और जहां वचन सुख का है और अनुभव भी सुख का है वह धर्म है। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।